अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। रुको, तुम घूंघट नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि उषा जी ने कहा है। क्या कर रहे हो बेटा? शादी से पहले दुल्हन का चेहरा देखना अपशगुन होता है। मैंने ही अपराजिता जी से कहा था कि दुल्हन को घूंघट में लेकर आना। अब तुझे ना मुंह दिखाई की रस्म तक रुकना होगा। जरा समझाइए ना इसे, घूंघट उठा रहा है। वीर, तेरी माँ ठीक कह रही है। सॉरी पापा, घूंघट तो मैं उतार के रहूंगा। अगर मेरी होने वाली पत्नी को मुझसे कोई एतराज है तो बात कुछ और है। देखिए, कोई एतराज नहीं है उसे। हट बेशरम, हक जताने से पहले ये सोच ले, ना ये तेरी पत्नी है और ना तू अभी इसका पति है। तुम हटो, मैं बात करता हूँ। हाँ। ये पकड़ो, सबके सामने नाक कटवाएगा क्या? मेरे भरने के बाद उसका चेहरा ही देखो। चल, चल, चल। आइए, आप लोग आइए प्लीज, चलिए। अपराजिता, सब कुछ प्लान के मुताबिक है ना? चल, यहाँ पे खड़े होके क्या आपस में सीक्रेट बातें कर रहे हो? नहीं, मुझसे छुपा के कोई प्लान तो नहीं बनाया जा रहा है ना? चलो दुल्हन को मंडप में ले चलते हैं, बहुत समय बीत गया। आओ चावी बेटा, कम ऑन, आओ वीर, आओ, चलो ऊपर आओ, वरमाला की रस्म करनी है। आ। रुकिए जी, ये शादी नहीं हो सकती है। मुहूर्त का समय शुरू होने में अभी एक घंटा बाकी है, उसके बाद ही हम विधि आरंभ करेंगे। तब तक हम सब प्रतीक्षा करते हैं। जब सब कुछ रेडी है तो रस्म करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बेटा, मुहूर्त से पहले शादी की कोई रस्म नहीं होगी और शादी पूरी विधि विधान से होगी। अगर अभी मुहूर्त नहीं है तो फिर ठीक है, हम दुल्हन को ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेगी और जब मुहूर्त होगा तब हम वापस आ जाएंगे। क्यों समझी जी? जी ठीक है। एक घंटे के लिए अपनी बेटी को मुझसे बचाकर ये मत सोचना कि बहुत बड़ा तीर मार लिया है तूने। आज तो मैं तेरी बेटी को अपनी दुल्हन बना के ही रहूंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।